मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में होगा चुनाव। 26 अप्रैल को होगा खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में चुनाव। देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा। 4 जून को काउंटिंग होगी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को 6 सीटों और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 7 सीटों और तीसरे चरण में 7 मई को 8 सीटों और चौथे चरण में 13 मई को 8 सीटों पर होगी वोटिंग। मध्य प्रदेश में इस बार 5,63,40,064 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल। अगर पहले चरण की बात करें तो 19 अप्रैल को 6 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा शामिल है। दूसरे चरण की बात करें तो 26 अप्रैल को दूसरा चरण होगा, जिसमें 7 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल शामिल है। 7 मई को तीसरा चरण होगा, जिसमें 8 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ शामिल है। बात करें अंतिम चरण की तो 13 मई को अंतिम चरण होगा, जिसमें 8 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा शामिल है।